नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च दिन मंगलवार। खबरें के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार हुई धीमी। चुनाव आयोग ने बिहार सहित कई राज्यों के गृह सचिव को हटाया। गुरमीत चौधरी की तस्वीरों को देख दीवाने हुए फैंस। मौसम विभाग ने प्रदेश के इन हिस्सों में वज्रपात या मेघ गर्जन को लेकर जारी की चेतावनी। प्याज भंडारण इकाई की योजना का उठाए लाभ। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर इस दस्तावेज की मदद से करें मतदान। रसोई गैस में बचे हुए गैस का इस आसान तरीके से लगाएं पता। रविचंद्रन अश्विन ने अपने क्रिकेट करियर के बुरे दौर को किया याद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए निकाली भर्ती। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 261 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार ssbodisha.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्गों से ₹500 लिए जाएंगे, वहीं आरक्षित वर्गों से इस भर्ती के लिए ₹200 लिए जाएंगे। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। प्याज भंडारण इकाई की योजना का उठाए लाभ। प्याज भंडारण इकाई 50 MT की योजना का लाभ उठाना संभव है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई स्कीम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से प्याज भंडारण के इकाई के लिए अनुदान दिया जाता है। अगर इकाई की लागत 6 लाख रुपए है तो सरकार की ओर से 4,50,000 की राशि की मदद की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करें। जरूरी विवरणों को भरकर अनुदान के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंदार पर्वत के बारे में। ये पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। लोक मान्यताओं के मुताबिक यही वो पर्वत था जिसके जरिए देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। कहा जाता है कि पर्वत पर पर्यन स्नान समुद्र मंथन के दौरान के ही है, इसलिए यह स्थान अरसों से लोगों के बीच धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन पूरे 15 दिनों के लिए होता है। हिंदू धर्म के लोग इस पर्वत को भगवान विष्णु का आश्रय स्थल भी मानते हैं। इस पर्वत से जैन धर्म की भी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। उनके मुताबिक यह स्थल प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासु पूज्य से जुड़ा है। यदि आप भी धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर इन दस्तावेजों की मदद से करें मतदान। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर कुछ अन्य दस्तावेजों के सहारे वोट डाले जा सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है या फिर नहीं मिल रहा है तो आप अन्य 12 दस्तावेजों के सहारे वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, फोटो पेस्टेड पेंशन कार्ड और ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड के सहारे वोट डाला जा सकता है। मालूम हो कि इन दस्तावेजों के सहारे आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बिहटा में पटना एयरपोर्ट से बड़े टर्मिनल का होगा निर्माण। बिहटा में पटना एयरपोर्ट से बड़े टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल इंक्लेवे बनाने के लिए बिहार सरकार ने पहले चरण में 126 एकड़ जमीन दी थी। इसमें 108 एकड़ भूमि पर टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 18 एकड़ में स्टेट हैंगर का निर्माण होगा। वहीं अतिरिक्त 8 एकड़ की भूमि की मांग हुई थी। इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिग्रहण जारी होने के बाद शेष जमीन एयरपोर्ट को अथॉरिटी को दे दी जाएगी। बिहटा में पटना एयरपोर्ट से बड़ा टर्मिनल निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल। बिहार एनडीए में 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारा फाइनल हो गया है। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार बिहार में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि जदयू 16, चिराग पासवान की पार्टी LGPR 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हिस्से में एक एक सीट आई है। इधर पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई है। आपको बता दें कि भाजपा बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया,
किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, सिवान और शिवहर की सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया सीट से चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को काराकाट लोकसभा सीट दी गई है। इधर गया की सीट नीदना मांझी के हिस्से में आई है। रसोई गैस में बचे हुए गैस का इस आसान तरीके से लगाएं पता। रसोई गैस का उपयोग आजकल हर कोई करता है, ऐसे में कई बार खाना बनाने के दौरान ही गैस खत्म हो जाते हैं। ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बचे हुए गैस का आसान तरीके से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक गीला कपड़ा लेना होगा। इसके बाद इसे सिलेंडर को पूरे तरीके से ढक देना होगा। कुछ मिनट के बाद सिलेंडर से गीले कपड़े को हटा देना है। इसके बाद अधिकतर भाग गीले कपड़े के पानी को सोख लेगा। जितने हिस्से में गैस होगी वो भाग सूख जाएगा। आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची इसका पता आप इस आसान तरीके से लगा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार सहित कई राज्यों के गृह सचिव को हटाया। चुनाव आयोग ने बिहार सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को उनके पद से हटा दिया है। बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के गृह सचिवों को भी उनके पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव आयोग की ओर से हटा दिया गया है। दरअसल इन समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इन अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय के दोहरे प्रभार हैं। आयोग की ओर से यह आशंका जताई गई है कि दोहरे प्रभार के कारण निष्पक्षता के साथ ही तटस्थता से समझौता हो सकता है। कानून व्यवस्था और पुलिस बलों की तैनाती में इसकी अधिक आशंका होती है, इसलिए आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार हुई धीमी। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी रफ्तार फिलहाल 80% धीमी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले हर दिन 15 से 17 लाख कार्ड बनवाए जा रहे थे, जबकि चुनाव का ऐलान हो जाने के बाद 3 लाख कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि चुनाव पर प्रशासन का फोकस होने के कारण आगे भी कार्ड बनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है। मालूम हो कि 2 मार्च से कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसके बाद 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनवाए गए थे। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरी है कि आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड हो। इसके बाद आप अपने नजदीकी PDS दुकान में जाकर इसे बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड के तहत आपको सालाना 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। दानापुर की खुशी कुमारी ने खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। बिहार के पटना की रहने वाली खुशी कुमारी ने खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उन्होंने 55 kg के जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। खुशी के बारे में बता दें कि उनके पिता फल बेचते हैं और वो बचपन से ही फलों की भारी टोकरी को उठा लेती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां भार को उठाकर मेडल जीत रही हैं। इसके बाद उन्होंने परिवार वालों को वेट लिफ्टिंग में आने की बात कही। पहला मेडल हासिल करने के बाद अब इनके घर वाले भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। बता दें कि अब तक खुशी ने 35 मेडल हासिल किए हैं। गुरमीत चौधरी की तस्वीरों को देख दीवाने हुए फैंस। एक्टर गुरमीत चौधरी को लोग खूब पसंद करते हैं। इसी बीच उन्होंने वर्कआउट करते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये तस्वीर दर्शकों को खूब पसंद भी आ रही है। फैंस उनकी तस्वीरों के दीवाने हो गए हैं। लोग उनके फिटनेस और मेहनत की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वही गुरमीत चौधरी के बारे में बता दें कि वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बॉलीवुड के फिल्मों के साथ ही टीवी सीरियल में काम किया है। टीवी शो गीत हुई सबसे पराई और पुनर्विवाह से उन्हें पहचान मिली थी। इसके अलावा उन्हें खामोशियां फिल्म के लिए भी जाना जाता है। गुरमीत चौधरी के अलावा आपको बिहार के कौन से एक्टर पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर वर्ष 1884 में हुआ था। ये राष्ट्रपति होने के साथ ही एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोग इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू कहकर भी पुकारते हैं। ये हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और फारसी भी जानते थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी के दिन आदि शामिल हैं। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी वर्ष 1963 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग की होगी नजर।
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग की नजर होगी। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा व्यय कोषांग की ओर से बकायदा दर तय की गई है। उम्मीदवारों को चाय पिलाने से लेकर नाश्ता और खाना तक के खर्च के बारे में जानकारी देनी होगी। आयोग ने 194 सामानों के प्रशासनिक स्तर पर दर तय किए हैं। पंडाल से लेकर होटल, कुर्सी टेबल आदि के दर तय किए गए हैं। इसके तहत ई रिक्शा के लिए 600 रुपए और सामान्य रिक्शा के लिए 500 रुपए का निर्धारण किया गया है। आपको बता दें कि खर्चे की निगरानी के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चाय के लिए 6 रुपए तय किए हैं, जबकि कॉफी का रेट 10 रुपए है। मौसम विभाग ने प्रदेश के इन हिस्सों में वज्रपात या मेघ गर्जन को लेकर जारी की चेतावनी। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बिहार और उत्तर मध्य बिहार में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। बाकी प्रदेश के सभी हिस्सों में एक या दो जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा राज्य के दक्षिण भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा की भी संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री और 18 से 20 डिग्री रहने की बात कही गई है। सुपौल में 2000 से अधिक लीटर शराब बरामद। सुपौल के सदर थाने की पुलिस ने 2087 लीटर विदेशी शराब बरामद किए हैं। पुलिस ने परसौनी गांव में छापेमारी कर इसे जब्त किया है। यहां शराब के तस्कर होली और लोकसभा चुनाव के दौरान शराब को खपाने के फिराक में थे। मुर्गा फार्म में तहखाने बनाकर शराब को छिपाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर सदर SDPO आलोक कुमार ने नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त किया है। हालांकि शराब के तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान हर बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए होगा खास इंतजाम। लोकसभा चुनाव के दौरान हर बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। इसके बाद इन्हें मतदान करने में काफी आसानी होगी। इनके लिए बूथ पर कई तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे कि रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बूथ पर इनके लिए हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही मतदाताओं के हेल्पलाइन ऐप और electoralsearch.eci.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। जदयू ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिया बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SBI की ओर से 1 अप्रैल 2019 से लेकर 11 अप्रैल 2019 तक का डेटा जारी नहीं हुआ है। ADR ने साल 2019 से 20 में जो डेटा जारी नहीं किया है उसमें जदयू को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। SBI की ओर से शेयर की गई जानकारी में 3 करोड़ की बात कही गई है, लेकिन SBI जब 1 अप्रैल से लेकर साल 2019 के बीच का डेटा शेयर करेगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीरज कुमार ने कहा है कि कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। जदयू को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, इसमें कुछ भी बेनामी नहीं है। बिहार में क्राइम की घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछे सवाल। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में क्राइम की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जंगल राज की दुहाई देने वाले लोग आज चुप हैं। पटना में बिल्डर की जान ले ली जाती है, उन पर हमला होता है, राज्य में अपराध में इजाफा हो रहा है। भाजपा और जदयू के नेता आज लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? आज जो हो रहा है वो अगर हमारे शासनकाल में हुआ होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आकर कहते कि जंगल राज है, अब किसका राज है? राज्य में पत्रकार पर हमला हुआ और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर आपकी क्या राय है? इसका जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चिराग पासवान ने बताया किस सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने जानकारी दी है कि वो किस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। NDA में चिराग की पार्टी LGPR को 5 सीट मिली है। इसके बाद जमुई सांसद ने कहा है कि वो हाजीपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गठबंधन धर निभाने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं पार्टी को सम्मान देने के लिए चिराग ने भाजपा का भी धन्यवाद दिया है। सीटों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे समझौते करने होते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर बोला भाजपा पर हमला। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। TMC सांसद ने भाजपा के द्वारा 400 सीटों पर जीत के दावे की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये नारा आत्मविश्वास से नहीं बल्कि डर से उपजा हुआ है।
टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि भाजपा की लोकप्रियता में कमी आई, इनके द्वारा पैसा पाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि कंपनियों से पैसा निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग किया गया है। साल 2004 के चुनाव का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि भाजपा को कांग्रेस ने बाहर कर दिया था, इस बार इसे दोहराया जा सकता है। बिहार के इस लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने उतारे हिंदू उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। बिहार के गया लोकसभा सीट से ओवैसी की पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली AIMIM से रंजन पासवान चुनाव लड़ेंगे। गया सीट से प्रत्याशी की घोषणा के दौरान मगध के प्रभारी ने जानकारी दी है कि उनकी पार्टी बिहार में 40 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इधर किशनगंज की लोकसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान प्रत्याशी हैं, वहीं औरंगाबाद से इम्तियाज जलील पार्टी के प्रत्याशी हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने क्रिकेट के बुरे दौर को किया याद। रविचंद्रन अश्विन ने अपने क्रिकेट करियर के बुरे दौर को याद किया है। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उस समय को याद किया है जब उन्होंने क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया था। इसके साथ ही उन्होंने सोच लिया था कि वो क्रिकेट को छोड़कर अपनी MBA की डिग्री को पूरा करेंगे। खिलाड़ी ने पिता से हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें वो फूट फूट कर रोए थे। दरअसल साल 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 70 रन बनाए थे, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए थे। इसके बाद इन्हें वेस्टइंडीज के दौरे के बाद सीमित ओवर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। आर अश्विन बताते हैं कि इसके बाद वो लंबे समय तक रोए थे और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1944 में भारत हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आज के दिन वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। आज के दिन भारतीय चिकित्सक आनंदी बाई जोशी का वर्ष 1865 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1936 में भारतीय निदेशक सत्यदेव दुबे का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1955 में दोरजी खंडू का जन्म हुआ था, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का वर्ष 1984 में जन्म हुआ था। अपने फोन में मौजूद जरूरी जानकारियों को इस तरह से रखें सुरक्षित। इंटरनेट के इस जमाने में आपकी एक लापरवाही भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आज के समय में हम अपने फोन में कई जरूरी जानकारी को सहेज कर रखते हैं, यहाँ तक कि बैंक से जुड़े भी कई चीज हमारे फोन में मौजूद होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने फोन के सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें, जिससे आपकी जरूरी जानकारी किसी साइबर ठग के हाथ में ना जा सके। इसके लिए आपको जरूरी है कि बेवजह के ऐप्स को डाउनलोड करने से बचें। कई ऐसे ऐप्स भी होते हैं जो आपको बिना जानकारी दिए आपके निजी जानकारी को शेयर करते हैं, इसलिए किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने फोन में मौजूद जरूरी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में धांधली की चल रही खबर के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव को लेकर कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक यूट्यूब चैनल टाइम्स एक्सप्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में धांधली हुई है और वहां फिर से चुनाव होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह के खबर पर विश्वास करने से पहले उनकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य पदों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रतन टाटा को, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन सी है गौतम अडानी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रतन टाटा को। किस राज्य में पांडुवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। किस सरकार ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2013।
इसका संयुक्त है 2008। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नवीन कुमार, सादुल्ला पालवी, विकास कुमार, साहेब महतो, सुधीर सिंह, वेद प्रकाश सिंह, बादल, ऋषि राज, सुबोध कुमार, अविनाश कुमार चौरसिया, पंकज कुमार, उमेश कुमार गुप्ता, जितेंद्र ठाकुर, रवि कुमार राम, रघुनंदन कुमार, भारत प्रसाद, शैलेंद्र पासवान, आशीष कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले क्या मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? अपना नाम और क्षेत्र हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।